नमस्ते दोस्तों, मैं धर्मेश पिठवा आप सभी लोगों को आज मदर्स डे पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वैसे मदर्स डे भारत के अलावा के सभी देशों में साल में एक दिन मनाया जाता है। हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो लोग पूरे साल में इतने बिजी रहते हैं कि वो अपनी माँ को भूल जाते हैं, और ये एक दिन मदर्स डे पर आने पर वो अपनी मम्मी को मिलने जाते हैं और पूरा दिन अपनी माँ के साथ में बिताते हैं। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी आर्य संस्कृति में तो हर एक दिन एक मदर्स डे जैसा है। अगर माँ के बारे में बात करें दोस्तों, तो माँ ये शब्द बोलते ही हमारा बचपन याद आ जाता है, हमारी वो माँ के साथ में की हुई मस्ती याद आ जाती है, और हमारी माँ जो हमारे पीछे पीछे अपना कटोरा लेकर भागती हुई हमें खाना खिलाने के लिए, हमें डांटने के लिए, हमें प्यार करने के लिए, वो हमें याद आ जाता है। दोस्तों, गुजराती में एक बहुत ही अच्छी लाइन्स है, आपने शायद सुनी होगी, जननी नी जोल सखी नहीं मड़े रे लोल, ए मीठा मीठा में हुलाने इथी मीठी मोरी माँ, जननी नी जोल सखी नहीं जड़े रे लोल। दोस्तों, ये लाइन में जननी यानी अपनी माँ, उसके बारे में ऐसा कहा गया है कि हमारी माँ के जैसा इस दुनिया में कोई मोल नहीं है, कोई नहीं मिल सकता। दोस्तों, अगर कृष्ण की हम तपस्या करें तो शायद कृष्ण प्रसन्न हो सकते हैं, अगर मीरा जैसी भक्ति करें तो हमें राम मिल सकते हैं, अगर शिव को हम प्रसन्न करने की कोशिश करें तो वो किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों दुनिया में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जिससे हमारी माँ हमें मिल जाए। हमारे पास जो माँ है वो अनमोल है। मैं आज कुछ बातें आपके पास शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, भगवान हर एक के घर में पहुँच नहीं सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। माँ के अंदर भगवान ने भगवान के जितनी शक्तियाँ डाल दी कि एक माँ चाहे तो इस विश्व में सब कुछ कर सकती है। एक माँ अगर चाहे तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती है। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी लोग महान हुए, कोई भी महान व्यक्ति का आप लिस्ट बना लो, तो वो महान व्यक्ति के पीछे उसकी माँ ने दिया हुआ उसका चरित्र, उसका घरतर, उसके संस्कार और उसकी माँ ने दी हुई हमारी हिम्मत, ये सब कुछ उसे पीछे लगी हुई होती है, तभी जाके कोई इंसान महान बनता है। दोस्तों, आपने जीजाबाई का नाम सुना होगा, शिवाजी की मम्मी का नाम। दोस्तों, शिवाजी जब उसके पेट में पल रहे थे, तब जीजाबाई को किसी ने न्यूज दिया कि उनके भाई, उनके परिवार के लोगों का निजाम ने कत्ल कर दिया है। ये न्यूज सुनते ही जीजाबाई का खून खोल उठा। उन्हें लगा कि अगर मेरे हाथ में तलवार आ जाए तो मैं अभी जाके निजाम का कत्ल कर सकती हूं। लेकिन उसके पेट में एक बच्चा पल रहा था, उसको ये फीलिंग्स आ रही थी कि उसका बच्चा भी जुनून में आ गया है। तभी से जीजाबाई एक सपना देखती थी, हर एक समय पूरा दिन ये सोचती रहती थी कि मेरा बच्चा पैदा होगा, मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो हाथों में तलवार लेगा और ये सभी निजाम और सभी ये राज्यों का जिन्होंने अपने को परेशान किया है वो सभी का कत्ल करेगा और बदला लेगा। उन्हें अपने दिमाग में यही जुनून और यही बात सताती रहती है, यही जुनून सताती रहती थी। जैसे ही शिवाजी का जन्म हुआ, शिवा उनका नाम रखा। दोस्तों, बचपन से ही शिवाजी को लड़ने के लिए तैयार किया गया और हर एक दिन महाभारत और सभी प्रकार की ऐसी हमारी पौराणिक कथाएं उनको सुनाई। उसके कारण शिवाजी का चरित्र और शिवाजी के अंदर ऐसी हिम्मत आई। बचपन से ही शिवाजी बोलते थे कि जो लोग हमारे मंदिर तोड़ते हैं, हमें परेशान करते हैं, उसको लाइए तलवार, में जाता हूं और सभी को मैं मार गिराता हूं। दोस्तों, यही जुनून के साथ शिवाजी ने हमारी आज़ादी के लिए और अंग्रेजों और ये दूसरी सल्तनतों के सामने लड़ने का जुस्सा दिखाया और शिवाजी महाराज बन गए, और इसी का कारण सिर्फ और सिर्फ उनकी जीजाबाई, उनकी माँ थी। दोस्तों, जैसे अच्छा पौधा अगर बोना है तो अच्छी जमीन चाहिए, वैसे ही
अगर जीवन में किसी को महान बनना है तो माँ चाहिए, क्योंकि माँ ही एक ऐसी है जो हमारा चरित्र और हमारा संस्कार और हमें मोटिवेशन देती है। दोस्तों, हम जीवन में कभी भी थक जाते हैं तो सबसे पहला मोटिवेशन हमारी माँ देती है। आप रात को घर आते हैं बहुत काम करके, ऑफिस का स्ट्रेस लेकर या दुनिया का कोई भी टेंशन लेकर, आपके पांव के आवाज से माँ को पता चल जाता है कि आज मेरा बेटा टेंशन में है। लेकिन दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम बार बार तो यही बोलते हैं कि मम्मी आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप हमें तो समझती नहीं है, और मम्मी के सामने जैसे तैसे शब्दों में बातें करते हैं और दोस्तों जैसे तैसे मुंह जुबानी उसको आंसर देते हैं। दोस्तों, हम बोलते हैं कि माँ हमें समझती नहीं है। जब हम छोटे थे हमारी रोने की आवाज से माँ पहचान जाती थी कि इसको पानी चाहिए या दूध चाहिए। दोस्तों, माँ को पता चल जाता था कि अभी मेरा बेटा भूखा हुआ है या प्यासा हुआ है, और इसी माँ को हम बोलते हैं कि वो आज हमें समझती नहीं है। दोस्तों, वो तो हमें बहुत समझती है, शायद हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने भौतिकता के साथ में, अपने व्यवहारिक जीवन में हम फीलिंग्स के जो रिलेशन है वो हम भूल चुके हैं, वो हमें फील ही नहीं हो रहा। सॉरी, प्लीज, थैंक यू जो अंग्रेज सिखा कर गए हैं वो हम पूरी दुनिया के सामने अच्छे से बोलते हैं, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ नाटक करना होता है। अगर रियल में सॉरी प्लीज थैंक यू का यूज आप सिर्फ माँ के सामने करें तो आपको पता चलेगा कि उसकी ममता और उसकी फीलिंग्स क्या है। दोस्तों, आजकल के मेरे यंगस्टर्स आई लव यू, ब्रेकअप और पैचअप और फेसबुक और फ्रेंड्स बनाने में पूरा टाइम निकालते हैं। कभी भी मम्मी गलती से भी बोलती है कि बेटा मोबाइल छोड़ दे, गर्लफ्रेंड छोड़ दे, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे, करियर पे ध्यान दे, दोस्तों के साथ घूमने ना जा, तो तुरंत अपने मुंह से निकल जाता है कि आपको कुछ पता नहीं चलता, आप चुप बैठो। दोस्तों, उन्हें जितना पता चलता है शायद आपकी बुद्धि भी वहां तक नहीं पहुंचती। और ये ब्रेकअप पैचअप के मामले में आप उलझे रहते हो, कभी जल्दी सुबह उठकर मम्मी के पांव छूकर उसको आई लव यू किया करो। मेरा गारंटी है कि सिर्फ एक बार आपने गलती से भी मम्मी को हगी करके आई लव यू बोल दिया, मेरा गारंटी कि आपकी माँ अगले आने वाले 6 महीने तक अकेली अकेली खुश रहेगी, अकेली अकेली विदाउट कोई रीजन। और दोस्तों, हमारे शास्त्र में जो मम्मी का पैर छूने के लिए जो बातें कही गई है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, वो कोई योगा और एक्सरसाइज नहीं है, उसके पीछे लॉजिक और रीजन भी है। अगर आप अपनी भाषा में समझना चाहें कि हमारे पंच तत्व और हमारी पंच ज्ञानेंद्रिय, ये दोनों हाथ जोड़कर आप मम्मी को प्रणाम करें या उसके पैर छुए, तो उस आपका अहंकार डूब जाता है और मम्मी की जो एनर्जी है, उसकी जो ओरा है, वो खुश होकर आपको जो हाथ लगाकर आशीर्वाद देती है, वो एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर होती है। दोस्तों, एक प्रयोग, एक एक्सपेरिमेंट, हर रोज ऑफिस जाने से पहले या स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट जाने से पहले ये कर लिया करो, आपको पता चलेगा कितनी हद तक का बदलाव आपकी जिंदगी में आता है। और दोस्तों, आप लोगों ने एक बात तो सुनी होगी कि अंजनी माता के पास जब हनुमान जी सीता मैया को लौटने के बाद वो वहां पे गए, तो उनके साथ जो वानर थे वो सब और हनुमान जी को देखकर अंजनी माता रोने लगी। सभी वानरों ने बोला कि माता आप क्यों रो रहे हैं, हनुमान जी ने तो कितना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा सा पर्वत उठाकर लेकर आया, जड़ी बूटी लेकर आए, कितना बड़ा काम किया। माता और ज्यादा रोते रोते बोली कि अभी तो हनुमान ने मेरा पूरा दूध नहीं पिया था, वरना राम को वहां जाने की जरूरत नहीं थी, मेरा अकेला बेटा काफी था उस रावण के लिए। यह बात का मुझे दुख है कि राम को भी जाना पड़ा। दोस्तों, यह होती है एक मां की ताकत, जो हनुमान जी के अंदर इतनी हद तक शक्ति भर सकती है। तो हम सबकी मां भी अंजनी माता के जैसी ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसका जो मोटिवेशन और उसका प्यार करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है, शायद आपके दोस्तों से अलग। तो आप उसे समझें और उसे रिस्पेक्ट दें। दोस्तों, एक समाज को टकोर करना चाहूंगा, क्योंकि अच्छी बातें हर एक समाज के पास से हमें सीखनी चाहिए। दोस्तों, एक बात मैंने अभी ही सुनी थी एक संत विभूति के सामने,
कि मुस्लिम समाज के ओल्ड एज होम यानी वृद्धाश्रम नहीं है। क्यों क्यों नहीं है दोस्तों? तो बात जानने के बाद मुझे पता चला, मुस्लिम समाज के फर्स्ट फाउंडर हजरत मूसा, उनकी एक बात है, एक बार हजरत मूसा को मन में यह विचार आया कि जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो मेरा पड़ोसी कौन होगा। सोचते सोचते उनको एक आवाज मिली कि तेरा पड़ोसी अली मोची होगा। फिर उसने, बात बहुत बड़ी है छोटी करने की कोशिश करता हूं, कि अली मोची को ढूंढना शुरू किया। उसके बगल में वो अली मोची रहता था, वो गया उसको देखने के लिए कि मैं देखूं तो सही कि जो स्वर्ग में मेरे बाजू में आने वाला है ये अली मोची है कौन। तो वहां पे गया तो उसने उसकी खिड़की से झांका तो देखा अली मोची अपनी बीमार माँ उसकी सेवा कर रहा था, उसको दूध का एक एक बूंद उसके मुंह में डाल रहा था क्योंकि वो दूध भी नहीं पी सकती थी, और उसकी सेवा कर रहा था। सेवा करते करते उसकी बीमार माँ ने उसको ये आशीर्वाद दिए कि जा बेटा, तुझे स्वर्ग में हजरत मूसा के बाजू में तेरे को जगह मिलेगी। ये सुनकर ये हजरत मूसा खुद कांपने लगे, उसके रूंटे खड़े हो गए कि वाकई भगवान की कृपा जो है वो सिर्फ माँ के ऊपर होती है और माँ ही ये भगवान का स्वरूप है। दोस्तों, ये धरती के ऊपर जो जन्नत जिसे हम बोलते हैं ना, वो जन्नत और कहीं नहीं, सिर्फ आपकी माँ है, और जन्नत आपके माँ के पैरों में होती है। अगर माँ के मुंह से शब्द निकल जाए कि तू स्वर्ग में जाएगा तो वो बेटा स्वर्ग में जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें माँ को खुश करना पड़ेगा। लेकिन ये मत सोचना कि जन्नत के लिए माँ को खुश करना है। दोस्तों, खुश तो हमें इसलिए करना है क्योंकि बाजू वाले या आपकी माँ को खुश करने के लिए नहीं आएंगे, वो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। आप जो बाहर व्यवहार करते हैं, चाहे आपकी ऑफिस का स्ट्रेस हो, पत्नी का स्ट्रेस हो, फ्रेंड्स का स्ट्रेस हो, वो सभी स्ट्रेस आप बाहर निकालिए। चाहे आपकी माँ जवान हो या बूढ़ी हो, अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी हो, आप अपनी माँ को रिस्पेक्ट करें और दिन में एक बार उसको हगी करके उसको आई लव यू बोले, और उसके बाद आपका जीवन और आपका एनर्जी वो आप देख लीजिएगा। हर एक बार आप उसे प्रणाम करें, उसके पैर छुए, दोस्तों ये आपकी जिंदगी में जो बदलाव ला सकता है, इससे ज्यादा दुनिया का कोई और मोटिवेशन, चाहे YouTube के आप 50,000 वीडियो मोटिवेशन के लिए देख ले, वो आपके अंदर बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन ये माँ की ताकत आपके अंदर बदलाव ला सकती है। दोस्तों, आज के दिन ये बात मैंने आप सभी लोगों को इसलिए शेयर किया, मदर्स डे हमारे भारतीय संस्कृति में हर रोज सुबह में मनाना चाहिए। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि ये अभी जो मैंने बात कहा ये मुस्लिम समुदाय से मैं सीखने वाली बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूं ये हर एक समुदाय के अंदर ऐसी मिसाल होनी चाहिए, हमें ओल्ड एज होम की जरूरत ना हो। और दोस्तों, हमारे हर एक समुदाय के अंदर ये बात पहुंचनी चाहिए, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये सही लगे तो आप ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये बात पहुंचाएं, और अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दें। थैंक यू।